नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पैक। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा पिछले कुछ दिनों से अपने पाकिस्तानी पति शोएब मलिक के साथ तलाक को लेकर सुर्खियों में है। वहीं सानिया मिर्जा को तलाक के बाद भी सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सानिया मिर्जा अब समाज में महिलाओं के लिए दोहरी मानसिकता रखने वाले लोगों पर खुलकर बात कर रही है। सानिया मिर्जा ने एक विज्ञापन को शेयर करते हुए कहा कि जब मैं दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी थी तो लोग कहते थे घर घुसाओ और वही समाज मुझे ताना मार रहा है। सानिया मिर्जा ने अर्बन कंपनी के विज्ञापन छोटी सोच पर रिएक्ट करते हुए अपने विचार ट्विटर पर लिखे। साथ ही सानिया मिर्जा ने समाज में महिलाओं को लेकर लोगों के नजरिए पर सवाल उठाया। सानिया मिर्जा ने 1 मार्च को किए अपने ट्वीट में लिखा, 2005 में मैं WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। बड़ी बात है ना, जब मैं दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी थी तो लोग यह जानने के लिए बेताब थे कि मैं कब अपना घर बसाऊंगी और सेटल हो जाऊंगी। 6 ग्रैंड स्लैम जीतना इस समाज के लिए काफी नहीं था और मैं अपनी इस जर्नी में मिले लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमेशा आभारी हूँ, लेकिन मदद नहीं कर सकती और सोच सकती हूँ कि क्यों एक महिला की उपलब्धियां उसके कौशल को कम के बजाय लैगिंग अपेक्षाओं को दिखाने के बारे में ज्यादा होती है, क्यों लोग इस बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। सानिया मिर्जा ने आगे कहा, अर्बन कंपनी का यह देख रही हूँ, इसमें ये भावनाएं सामने आई। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस समाज के बारे में असल बातचीत करना कितना कठिन है और कभी कभी असुविधाजनक होता है, लेकिन हम महिलाओं की सफलता के साथ कैसे जुड़ते हैं इस पर हमें खुद सोचना चाहिए। बता दें कि सानिया मिर्जा जिस अर्बन कंपनी के विज्ञापन की बात कर रही है उसकी कहानी एक ब्यूटिशियन महिला पर आधारित है, जिससे अपनी पहली कार खरीदने पर पड़ोसियों और छोटे भाई की ओर से कई सवालों का सामना करना पड़ता है। तो आप सानिया मिर्जा की बात से कितना सहमत रखते हैं और इस वीडियो में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स पैक।